बच्चों तो यहाँ से कॉम्पोजिशन स्टार्ट करना था आई वॉन्ट की आप इनको लिखें जरूर फॉलोइंग आइटम्स आर रेवेन्यू रिसेप्ट और कैपिटल रिसेप्ट कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट एसेट का घटना और लाइबिलिटी का बढ़ना एंड यू हैव मनी का इनफ्लो सॉरी टू यूज द वर्ड कैश बट मैंने लिख दिया अगर ऐसा हो रहा है तो इट इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इट इज नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसा नहीं हो रहा मतलब सो कॉल्ड कैश का इनफ्लो है आई रिपीट कैश का इनफ्लो है चिल्ड्रन बट अगर कैश का इनफ्लो सो कॉल्ड असिट के घटने और लाइबिलिटी के बढ़ने से तो इट इज कैपिटल रिसिप्ट बट अगर कैश का इनफ्लो इस पर्पज से नहीं हो रहा तो आप इसे क्या बोलेंगे रेवेन्यू रेसिप्ट ठीक है सिमिलरली आई टॉक अबाउट पेमेंट एज वेल असेट बढ़ी और लाइबिलिटी घटी एंड देर इज आउट फ्लो ऑफ मनी अगर ऐसा हो रहा है बच्चों तो इट इज कॉल्ड एज कैपिटल पेमेंट और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इट इज कॉल्ड एज अ रोजमर्रा का रेवेन्यू पेमेंट ये शब्द मेरे याद रहेंगे लोगों को पक्का और अगर ऐसा नहीं हो रहा चिल्ड्रन तो इट इज कॉल्ड रेवेन्यू पेमेंट फाइन अंडरस्टूड चलो तो बस ये दो बातें दिमाग में रखिएगा रिकवरी ऑफ लोन लोन का पैसा आया मनी इज फ्लोइंग इन ये तो पक्का रिसिप्ट है बट है। क्या लोन का पैसा एक ही लोन बार बार वापस आएगा नो तो इट इज कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट चिल्ड्रन कैपिटल रेसेप्टॉटेट कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनी से जो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स मिलता है हर साल रोजमर्रा का पैसा है तो इट इज रेवन्यू रेसेप्टॉट इट डिविडेंट ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडियन रेलवे आई आर सी टी सी एल आई सी इन कंपनीज में पैसा लगाया उन्हें डिविडेंट मिल रहा है कभी कभी मिलेगा हमेशा मिलेगा हमेशा मिलेगा विच टाइप ऑफ इट इज Revenue receipt. समझ गए? एकदम अकाउंटिंग का है पूरा का पूरा तो वेरी क्विकली जरूर लें। गवर्नमेंट ने लोगों को बेच दी मारुति उद्योग बेच दिया, इंडियन रेलवे पार्लियामेंट मैंने खरीद लिया सुलभ कॉम्प्लेक्स उन लोगों ने खरीद लिए जो नहीं पढ़ रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज बेस्ट टाइप ऑफ द गवर्नमेंट कैपिटल क्योंकि हमेशा नहीं होगा कभी कभी होगा समझ गए बच्चों गिविंग टाइम अपडेट फास्ट Yes, जी लिख लिया चलिए राइटिंग कंप्लीट फास्ट अगला क्वेश्चन चल रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट पहचानना है और पहला क्वेश्चन आपके पास आया गवर्नमेंट हॉस्पिटल फी रिसिप्ट जब आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पांच रुपए की एक सस्ती सी पर्ची कटती है और आप फिर उसके बाद ओपीडी सेक्शन में जाइए उसके बाद भी कम ही पैसे लगते हैं बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते तो ये जो गवर्नमेंट फी है हॉस्पिटल में चल हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फी गवर्नमेंट को मिल रही है विल इट बी नो तो रेवेन्यू तो होगा कि कैपिटल होगा बच्चों okay. okay? से लोन ले रहे हैं चिल्ड्रेन लाइबिलिटी बढ़ रही है तो इट्स रिसेप्ट लिखते जाइए ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक पैसा हमेशा देगा कि कभी कभी देगा अब ये बहुत बड़ा लॉजिकल पॉइंट है चिल्ड्रन हमेशा भी देता है कभी कभी भी देता है पाकिस्तान जैसे दलित देश को हमेशा देगा इंडिया को जब जरूरत पड़ेगी भाई रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तभी देगा तो अगर एम में आए तो मैं आपको एक ज्ञान देता हूँ ये एमसीक्यू दो बार अटेम्प्ट करिएगा अगर दोनों आ जाए कैपिटल रिसेप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट एक बार कैपिटल करके मार्क करिएगा आगे की तरफ फिर पांच दस क्वेश्चन छोड़ के फिर से इसको अटेम्प्ट कर दीजिएगा इट क्योंकि लिटरली इट इज कंफ्यूजिंग किताब में एनसीआर में जो लिखा है रट के लिख दो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी तो अगर वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को पैसा दिया कि भाई आप अपने यहां कोविड वैक्सीनेशन का सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कराइए तो ये पैसा बार बार नहीं आएगा वॉट इट बट पाकिस्तान जैसे भूखे नंगे देश को हर साल वो लोग कुछ ना कुछ पैसा देते हैं तो उनके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट हम जैसों के लिए कैपिटल रिसिप्ट होगा ओके बच्चो इन माई ओपिनियन इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एज वेल एज कैपिटल रिसिप्ट बोथ कस्टम ड्यूटी इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट को मिलती है बच्चों कभी कभी मिलती है हमेशा इट इज अ रेवेन्यू अट समझ गए नेक्स्ट कमिंग अप एजुकेशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जो पढ़ाई लिखाई पे गरीब बच्चों की या यूनिवर्सिटीज में हर बच्चे की पढ़ाई पे पैसा खर्च करती है प्रोफेसर को सैलरी देती है व्हाट इज दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने नौकरों को तनख्वाह देना बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट किया गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स में और शेयर्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू क्यों होगा गवर्नमेंट कोई शेयर ब्रोकर थोड़ा है समझ में गया ये तो असेट हो गई ना बस शब्द याद रखिए जायदाद बढ़ रही है यहाँ पे ओके कैपिटल एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पे किया लोन में रेकरिंग है नॉन रेकरिंग है बच्चों तो लोन का प्रिंसिपल पे करना कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट पे करना रेवेन्यू बार बार पे करेंगे ओके बच्चों पक्का कंफर्म चलिए डू इट फास्ट तो बच्चों बताना है फिर से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है करेंसी एंड कॉइनेज नोट छापने पे जो पैसे खर्च होते हैं क्या होगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर हर दिन थोड़ा नोट छपती है और गवर्नमेंट के लिए नोट एक तरह की असेट है गवर्नमेंट के लिए नोट एक तरह की असेट है व्हाट डू यू थिंक चिल्ड्रन ये जो मिनिस्टर्स पार्लियामेंट में बैठते हैं तीन दो पैसठ में बैठते हैं समर सेशन वॉट इट क्लियर विंटर सेशन होता है ना भाई शीतकाल वगैरह तो ऐसे ही तो हर दिन थोड़ा छपता है करेंसी नोट वगैरह जरूरत पड़ेगी तब छापेंगे नहीं तो एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी हो जाएगा परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट अभी सी टू नाइनटी फाइव खरीदे जा रहे हैं 2026 में इंडिया में डिलीवर हो जाएगा बनके क्या होगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्ल्ड बैंक का लोन पे किया चिल्ड्रन इंटरेस्ट नहीं पे किया पूरा का पूरा लोन पे कर दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर पेंशन पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉज रेवेन्यू बिकॉज आपको ये पेंशन हर महीने देनी पड़ती है एस सच समझ में आ गया खैर अब तो गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयमेंट से पेंशन का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है और पेंशन जैसा कुछ होता भी नहीं है चलो

वॉट न्यू प्रोग्राम कुड भी इंट्रोड्यूस अगर हमारे पास सरप्लस है या अगर शॉर्टेज भी है और जरूरत है तो हम क्या क्या कर सकते हैं तो ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं सो पुट दिन कॉपीक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ओके सो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो भी मनी कलेक्ट होगा उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा दैट यूसेज ऑफ मनी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन अपकमिंग ईयर विल बी यूज फॉर वट पर्पसेज

आपके पापा मम्मी की इनकम पे जो टैक्स लगता था बस वही उनको देना पड़ता था अब टैक्स के ऊपर एक एडिशनल चीज इंपोज होती है एजुकेशन सेस सेस। व्हाट एजुकेशन जब ये आया था इट वाज ऑफ परसेंट उसके बाद ये बढ़ के दो प्रतिशत हो गया उसके बाद बढ़ के तीन प्रतिशत और आजकल ये हो गया है फोर परसेंट तो जो भी ये पैसा कलेक्ट होता है मान लीजिए मेरी इनकम पे एक लाख रुपए टैक्स बना तो मेरे को चार हजार रुपए पे करना पड़ेगा ये चार हजार रुपए गरीब बच्चों की पढ़ाई पे खर्च होगा मिड डे मील वगैरह खर्च होता है वो यहां से आता है तो गवर्नमेंट देखती है कि हमें क्या तो अगर लॉन्ग टर्म चलेगा लोन लेके भी काम हो सकता है तो वील बोरो बजट में आपको लिखना पड़ेगा वी प्रपोज निर्मला सीतारामन जी ऐसी बोलती है अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन द बैकवर्ड स्टेट लाइक यूपी एम पी बिहार एंड वील बी बीस हंड्रेड मॉडल स्कूल ऐसे स्कूल जहां पर स्मार्ट बोर्ड वगैरह अब निर्मला जी ने बोल तो दिया आएगा कहां से बीस हजार करोड़ या तो गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग टैक्स रेट को बढ़ा देगी या कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर देगी बट अगर लग रहा है कि भाई अगले साल एक दो साल में इलेक्शन होने वाला है कहीं टैक्स रेट बढ़ाया तो लोग खिसिया जाएंगे नाराज हो जाएंगे वोट नहीं देंगे 2022 का बजट में अनाउंसमेंट कर दिया टैक्स रेट बढ़ा दिया क्योंकि इलेक्शन तो 24-25 में होगा ना तब तक लोग भूल जाएंगे वेरी नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है तो गवर्नमेंट कहेगी बोरो करके काम चला लो अभी टैक्स मत बढ़ाओ अगले साल जब बजट लेके आएंगे तो हम टैक्स बढ़ाएंगे जो बोरो किया होगा वो वापस कर देंगे Clear. और टैक्स के पैसे को हम इस तरह से इस्तेमाल कर ले जाएंगे तो दिस इज कॉल्ड री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस समझ में आई बात की नहीं पीपल मस्ट हैव दिस स्कीम चिल्ड्रन आयुष्मान भारत योजना सुनिए आंसर जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग होते हैं जिनका आयुष्मान कार्ड बना होता है बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब लाइन कहा नजर आती है सर बताइएगा अरे ये वो लोग होते हैं जिनकी एनुअल इनकम साठ हजार रुपए से कम होती है प्रैक्टिकली ओके और भी पैरामीटर्स होते हैं एंड इसमें जो सिक्सटी इयर्स एंड अब के बूढ़े हैं ऐसे पांच लाख लोगों को फ्री इलाज मिलेगा अनलिमिटेड अमाउंट कितना भी और एक बीपीएल आयुष्मान इलाज और होता है वो किसी भी पर्सन को जो नहीं कि बूढ़ा इंसान हो अप टू रुपीज फाइव लैख फ्री में इलाज दिया जाएगा तो जो लोग मेडिकल इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकते ये योजना उनके लिए है अब मान लीजिए देर वॉज अ पर्सन हु बिलोंग टू अ पुअर फैमिली और उसको लेटेस्ट से हार्ट सर्जरी करानी है और तीन लाख अस्सी हजार रुपए का खर्चा है इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैदानता जाएंगे तो पांच छह लाख रुपए मान लीजिए और कहीं जाएंगे दस बारह लाख अब ये कहाँ से आएगा तीन लाख रुपए गवर्नमेंट ने तो बच्चों बोला था ना कि भाई पांच लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा और खर्च कितना होना उस इंसान के ऊपर थ्री तो उस पर्सन का पहले तो आयुष्मान कार्ड बनेगा क्यों बनेगा भाई साबित करने के लिए कि वो गरीब है फिर वो इन हॉस्पिटल्स में जाएगा जहां पे कार्ड एक्सेप्ट होता है वो हॉस्पिटल वाले उसको डेट देंगे स्टेटमेंट बना के देंगे कितना पैसा खर्च होगा देन ही गो टू द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वहां से अप्रूवल होगा हॉस्पिटल के अकाउंट में पैसा आ जाएगा और हॉस्पिटल वाले उसको ऑपरेट करके छुट्टी दे, दे देंगे दवाई वही भी दे, दे देंगे उसमें बट क्वेश्चन उस इंसान ने तो एक रुपया नहीं खर्च किया हॉस्पिटल पिटुल को तो तीन लाख अस्सी हजार मिल गया आया कहां से पैसा टैक्सपेयर की जेब से आया है तो निर्मला सीतारमन जी ने एक एस्टिमेशन करवाया अपने सो कॉल्ड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन में कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिनको हार्ट की सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है बट उनके पास पैसे नहीं है एम्स ने बोला इंडिया में मान लीजिए लगभग ऐसे एक करोड़ लोग होंगे कितने एक करोड़ और जिसमें से इमीडिएटली आने वाले एक साल में पांच लाख लोगों को तो सर्जरी की जरूरत पड़ेगी कितने लोगों को पांच लाख और हर इंसान पे पांच पांच लाख खर्च भी होना है तो एक इंसान पे अगर पांच लाख खर्च होना है तो पांच लाख पे कितना खर्च होगा चिल्ड्रन पच्चीस फाइव इंटू फाइव पांच पांच जीरो हर करिए पांच लाख लोग और पांच लाख रुपए उज 10, करोड़ टेन 10 थाउजेंड करोड़ पच्चीस हजार करोड़, 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 करोड़ रुपए का इंतजाम करना है गवर्नमेंट ने कहा कि भाई सोलह हजार करोड़ तो है हमारे पास और कितना इंतजाम करना है नौ हजार करोड़ रुपए कहां से आएगा एक साल में अगर सौ करोड़ रेलवे टिकट बिके कितनी करोड़ रेलवे टिकट चलन सौ करोड़ हर टिकट में नब्बे रुपए फ्लेक्सी फेयर डायनेमिक रिजर्वेशन चार्जेज ऐड कर दीजिए तो नब्बे इंटू सौ कितना हो गया बच्चों नौ हजार करोड़ हो गया लोगों के इलाज की व्यवस्था हो जाएगी समझ में आ गया और ये हम नब्बे रुपए किसमें ऐड करेंगे ए सी टू टीयर में ए सी फर्स्ट ईयर में और ए सी थ्री टीयर में सर नब्बे रुपए नहीं 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 ए सी फर्स्ट वालों से लेंगे सो कॉल्ड नब्बे रुपए की जगह एक सौ अस्सी रुपए डबल पैसा इनसे लेंगे एक सौ बीस और इनसे लेंगे चालीस तो एवरेज में हमारे पास पैसे का जुगाड़ हो जाएगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज समझ में आ गया कैसे होता है पक्का चलिए सो पीपल अंडरस्टूड दिस तो जब गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया तो लगा कि भाई इतने पैसे हर साल खर्च होंगे तो कहां से आएगा इतना पैसा हर चीज में ईसेस जोड़ दो बर्गर खरीदो उसमें भी ईसेस पिज्जा खरीदो उसमें भी ईसेस तो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया कि साल भर में हिंदुस्तान में लोग कितना पैसा इन चीजों पर खर्च करते हैं तो गवर्नमेंट को पता लग गया कि पीपल ऑन एन एवरेज स्पेंट टू लाख करोड़ रुपीज कितना टू लाख करोड़ रुपीज इस पे चार परसेंट अगर इंट्रोड्यूस कर दें तो दो लाख का चार प्रतिशत कितना होता है बच्चों एट थाउजेंड था। था। करोड़ है तो करोड़ ही हो जाएगा आठ हजार करोड़ रुपए यहां से आ जाएगा और हमको एजुकेशन पे खर्च करना है नौ हजार दो सौ करोड़ मिड डे मील टीचर की सैलरी स्कूल का वगैरह 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 तो आठ करोड़ यहां से अरेंज कर लेंगे कितनी शॉर्टेज है बारह करोड़ इसको वर्ल्ड बैंक से बोरो कर लेते हैं क्या बोल के बोरो करेंगे सर ये बोल के बोरो करेंगे कि भाई गांव में लोग गरीब हैं पैसा खर्च नहीं कर सकते हम उन्हें फ्री में एजुकेशन देना चाहते हैं इतना खर्चा इतना तो हम अरेंज कर लेंगे अपने लोगों से बाकी आप हमको सपोर्ट कर दीजिए वर्ल्ड बैंक के अल्टीमेटली मेंबर्स कौन है परमानेंट यही यूएस यूके चाइना रशिया जापान यूएस को क्या लग रहा है अगर इंडिया में ये बच्चे पढ़ाई लिखाई कर लें और कल को कोई को सुपर जीनियस इंटेलिजेंट वहां से निकल के आए तो यूएस वगैरह आपको शायद नहीं पता होगा दे रन प्रोग्राम चिल्ड्रेन और ऐसे फ्री प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें वो एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं और अच्छे बच्चों को सॉर्ट आउट करते हैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप वगैरह शायद आपने सुना हो और वो स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट करा के अपने बच्चों को ले जाते हैं हैं और पढ़ाई कराते जैसे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है मान लीजिए यहाँ पे इसरो में या आई, आई में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं इसरो में तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं ये अपने जो आइसर वगैरह इंस्टीट्यूट है इनके ओके तो मान लीजिए आई आई में पांच बच्चा पढ़ रहा है ओके एस्ट्रोनॉमी

इंडिया में भाई दो करोड़ सैलरी मिल रही है आओ हम पच्चीस करोड़ देंगे तो हो सकता है यहाँ के लालची लोग वहां पे चले जाए वॉट इट क्लियर तो वर्ल्ड बैंक से भी फायदा इन्हीं को हो पाए बेसिकली समझ में आई बात एंड अब ऑल चिल्ड्रेन आपके पापा भी पैसा कमाते होंगे तो घर में मेड सर्वेंट को हाउस हेल्प को कुछ दो चार पांच सौ हजार रुपए देते दे होंगे भाई कभी वो रिक्वेस्ट करें भैया जी हमको अपने बच्चों की बुक्स लेनी है विल दे डिनाइड नो तो वो अपना प्राइवेट बजट एलोकेट करते हैं रिसोर्सेस समझ में आया कि नहीं आया चलिए कोई क्वेरी चल रहा किसी को इस पॉइंट पे so, will... लिख लिया हो सबने? So, साथ हो अब इतना भी ज्यादा टैक्स ना थोप दो कि बेचारा टैक्स पेयर देश छोड़ के जाने को मजबूर हो जाए इतना टैक्स इम्पोज करिए कि वो टैक्स दे भी दे और चोरी करने की कोशिश कम से कम करें कुछ एरियाज में गवर्नमेंट टैक्स कंसेशन देती है भाई प्रयागराज में नैनी एरिया में फैक्ट्री लगा लीजिए आप गुजरात में सो so कॉल्ड जो गिफ्ट सिटी है वहां फैक्ट्री लगा लीजिए गुड़गांव में फैक्ट्री लगा लीजिए महाराष्ट्र में थाने में फैक्ट्री लगा लीजिए समझना क्या बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री लगाइए दस साल तक आपके गुड्स पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा गवर्नमेंट को सर क्या फायदा आप फैक्ट्री लगाएंगे तो गांव वालों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ना तो गांव वालों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा दे विल फील हैप्पी और वो सरकार को वोट दे देंगे प्लस गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लगाए और उस टैक्स के पैसे से उन निठल्लों को हर महीने कुछ पैसा फोकट कर दिया जाए जिससे वो काम चोर बन जाएंगे तो इससे अच्छा है कि आपको ही उतना पैसा टैक्स में डिस्काउंट दे दिया जाए पीपल आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट चिल्ड्रन सुनाई पड़िए चलिए गवर्नमेंट कैन डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स टोबैको लिकर इंटॉक्सिकेंट्स टॉक्सिकेन्ट्स एल्कोहल पे क्यों अट्ठाइस परसेंट का जीएसटी है ताकि जीएसटी अट्ठाइस परसेंट लगने के बाद इतने महंगे हो जाएं कि एक एवरेज नॉर्मल लो अर्नर इनको परचेज ना करे और जो खरीद रहा है वो तो कमाई का जरिया है हम उसके पैसे से देश में तरक्की करेंगे समझे कि नहीं समझे आपको अपने कॉलोनी में नजर आता होगा रोड्स को ब्रॉड किया जा रहा है चिल्ड्रन नालियों को नया बनाया जा रहा है नए पोल्स लगाए जा रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के कहां से आता है पैसा जो आपके पापा हम हाउस टैक्स वाटर टैक्स इनकम टैक्स जीएसटी ई ये सब देते हैं इसी पैसे का गवर्नमेंट एस्टिमेशन करती है कि पैसे आ कहां से रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट खर्च करती है फिर तो जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना खर्च करेंगे खादी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है सेकेंड अक्टूबर को बच्चों पचास परसेंट का डिस्काउंट होता है खादी प्रोडक्ट्स पे और ऐसे भी साल भर बीस पच्चीस परसेंट डिस्काउंट चलता है क्यों सस्ता बेचते हैं वो लोग इसलिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खादी प्रोडक्ट जब खरीदेंगे तो बाहर से आने वाला कपड़ा जो इंडिया में आ रहा है वो इस्तेमाल कम होगा और लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा समझ में आई बात तो ये पॉइंट जरूर नोट डाउन कर ले लो दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट लिखेंगे तो याद भी हो जाएगा तो बात समझ में आ गई तो ऐसा ही है जैसे भाई आपके पापा की इनकम मान लीजिए इंक्रीज हुई जॉब में है या बिजनेस में है तो वो घर में सोचेंगे भाई पैसे आ गए दस पंद्रह लाख का डिपॉजिट हो गया चलो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सेकंड फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं वहां पे रेंट पे टेनेंट रख दिया जाएगा तो घर की कमाई बढ़ जाएगी फिर उससे रेंटल इनकम आएगी तो हर महीने उस पैसे को एस में लगा दिया म्यूचुअल फंड में लगा दिया ताकि उनका फ्यूचर ठीक से प्लान हो जाए सो so, ऐसे ही गवर्नमेंट भी काम करती है तो अभी आपने देखा होगा बच्चों नया पार्लियामेंट बना हमारी कंट्री में अभी वो अगले महीने से जब विंटर सेशन चालू होगा पार्लियामेंट का तो वहीं पे लोग बैठेंगे कहां से पैसा आया हजारों करोड़ रुपए यही जीएसटी और इनकम टैक्स का पैसा है बुलेट ट्रेन चल रही है अब उसके लिए तो पैसा कम था थोड़ा सा तो जापान से हमने बोरो कर लिया ये सारी बातें बजट में लिखी जाएंगी कि भाई पचास हजार करोड़ का बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है इंडिया कैन अफोर्ड टू स्पेंड ओनली करोड़ रिमेनिंग वी टॉक्स विद जापानीज डेलीगेट्स एंड दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया सर उनका क्या फायदा भाई उनकी देश में तरक्की क्या है जीरो वॉट इट छोटा सा तो देश आयलैंड के बराबर ज्यादा उनके पास सो कॉल्ड बिजनेस है नहीं तो सोच चलो इंडिया को अपना सामान बेचो जो टेक्नोलॉजी वहां बकवास हो चुकी है इंडिया में लाके बेच देंगे तो वो इंडिया में पैसा लगा के कमाएंगे तो जैसे आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं अर्निंग मनी जॉब कर रहे हैं अर्निंग मनी अब उनके पास पैसे ज्यादा हैं बट वो क्या अपने इंप्लॉयर को सैलरी वापस कर देंगे मालिक पैसा ले लो तनख्वाह बहुत दी आपने पिछले सालों में और हमें तो इस पैसे का कोई काम है नहीं ही ही विल विल डू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट ही विल विल इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन इन बैंक ही गोल्ड एंड स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम देयर तो जैसे आपके हमारे पापा मम्मी पैसे चार जगह इन्वेस्ट करके कमाते हैं रिसोर्सेस को एलोकेट करते हैं वैसे ही जापानीज गवर्नमेंट इंडिया में पैसा लगा रही है और इंडिया से कमाएंगे शाहरुख खान के पास बहुत पैसा आ गया अब भाई मुंबई में तो बहुत प्रॉपर्टी खरीद ली अब पता है मुंबई में और कोई फायदा है नहीं तो चलो दुबई के पाम जुमारा आइलैंड पे दो प्लॉट्स खरीद लो वहां पे एक होटल बनवा दो वहां से कमाओ अंडरस्टैंडिंग और नॉट और पैसा आ जाएगा तो मून पे खरीद लेंगे जमीन और आएगा तो सन पे एक पिज्जा कॉर्नर खोल देंगे वहीं पे पिज्जा बेक करके बेचेंगे क्विकली चल रहा कॉपी कर लीजिए तो आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन फोन चल रन मान लीजिए एप्पल को गवर्नमेंट ने एक एडवांटेज देना है और गवर्नमेंट ने भी एप्पल को एडवांटेज दिया आईफोन फोन फोर्टीन पे हम जीएसटी लगाएंगे बारह परसेंट का वॉट इट बेस मॉडल है बट फोर्टीन प्लस फोर्टीन प्रो मैक्स फोर्टीन प्रो मैक्स अल्ट्रा गैलेक्सी वेरी ब्यूटिफुल इस पर जीएसटी लगेगा अट्ठाईस परसेंट का ओरिएंट वाले फैन बनाते हैं तो गवर्नमेंट कहेगी चलो ये तो नेसेसिटी है इस पे टैक्स एग्जेम है कूलर इज नॉट अ नेसेसिटी इट्स अ कंफर्ट तो उस पे जीएसटी कितने का लगा दिया पांच परसेंट और ओरिएंट वाले कल को एसी बनाने लग जाए तो जीएसटी कितना होगा अट्ठाईस परसेंट समझे कि नहीं समझे पक्का कंफर्म कहीं से निर्मला सीतारमन जी को पता लग गया कि आजकल धोबी लोग घर में जा तो रहे हैं बट वॉशिंग मशीन से कपड़ा धोना प्रेफर करवाते हैं वो हाथ से कपड़ा नहीं धोते तो इसलिए ज्यादातर लोग वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं तो वॉशिंग मशीन पे पहले अट्ठाईस परसेंट का जीएसटी था चिल्ड्रन चिल्ड्रेन नौ अट्ठाइस टू ट्वेंटी एट परसेंट तो तीस हजार की जो वॉशिंग मशीन थी वो दस परसेंट अपने आप जीएसटी की वजह से सस्ती होगी लगभग नौ दस परसेंट okay, ओके तो अब इससे होगा क्या वॉशिंग मशीन की सेल बढ़ जाएगी जब अट्ठाइस परसेंट जीएसटी लगता था मान लीजिए इंडिया में दस लाख वॉशिंग मशीन बिकती थी अट्ठारह परसेंट लगने लग गया 25 लाख वॉशिंग मशीन बिकने लग गई तो ओवरऑल गवर्नमेंट का फायदा होगा कि नुकसान होगा फायदा होगा समझ समझना गया तो सर वॉशिंग मशीन पे जीएसटी क्यों नहीं बढ़ाते भाई ये ग्रहणियों के लिए है वॉशिंग मशीन पे जीएसटी कम कर दिया हर ग्रहणी खुश हो जाएगी इससे लेडीज वोट बढ़ जाएंगे तो सारी चीजें इंक्लाइन टूवर्ड्स वोट कलेक्शन होती है चलन समझ गए सब लोग चलिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ आप जैसे रईसों से ज्यादा टैक्स दिया जाएगा और मेरे जैसे गरीब टीचरों को छूट दी जाएगी क्या देश का कल्याण कर रहे हैं तो आपको थोड़ा टैक्स में बेनिफिट दे दिया जाए तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ यही होता है बच्चों इफ यू गो एंड ईट फूड डिनर और लंच एट ताज फूड पे तो रेस्टोरेंट पे पांच परसेंट का जीएसटी है बच्चों बट ताज की जब बिलिंग होगी तो बोला जाएगा कि आपके फूड पे अट्ठारह परसेंट लगेगा जीएसटी क्यों क्योंकि आप क्या रहीस लोग खाना खाने आते हैं तो नॉर्मल रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हैं तो आप देखते होंगे बच्चों बिल पे कितना जीएसटी है फाइव परसेंट बट ताज पे अट्ठारह परसेंट नहीं ऐसा नहीं होता फूड पे बच्चों ताज पे भी पांच परसेंट का ही जीएसटी है बट अगर ये फूड आप उनके रेस्टोरेंट में ना खाएं और रूम में मंगवा लें तो फिर बच्चों फाइव परसेंट पे चार्जेबल नहीं होगा देन इट्स अ लग्जरी सर्विस और फिर उस पर अट्ठारह और अट्ठाइस भी लग सकता है बट ताज वाले बड़े चतुर हैं ताज वाले फूड तो रूम में सप्लाई कर देंगे बट बिल बनाएंगे कहां तो अगर आप जीरो से लेकर रुपए से लेकर चौबीस सौ निन्यानवे तक का रूम है अगर तो उस पर बारह परसेंट जीएसटी है पच्चीस सौ रुपए से लेकर चौहत्तर सौ निन्यानवे रुपए का अगर रूम बुक कराते हैं तो उसपे अठारह परसेंट जीएसटी पचहत्तर सौ रुपए से ऊपर का अगर आप रूम बुक कराते हैं तो उस पर जीएसटी कितनी है 28%. एक तरह का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो हो गया हो गया कि नहीं लोगों पर जो महंगा रूम बुक करा रहे हैं गवर्नमेंट वुड बी इंपोजिंग मोर जीएसटी और यही पैसा किसानों को दिया जाता है जब उनकी फसल खराब हो जाती है इसी पैसे से किसानों का क्रॉप इंश्योरेंस वेदर इंश्योरेंस करवाया जाता है लॉजिक इज बीइंग क्लियर और नॉट चिल्ड्रन तो हाई रेट ऑफ टैक्स चाहे इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो विल बी इंपोज ऑन रिच पीपल एंड लोअर रेट ऑफ टैक्स इंपोज ऑन लोअर इनकम ग्रुप आप शहर में रहते हैं बच्चों ठीक है ध्यान से सुनिएगा मैं आपको उत्तर प्रदेश का बता रहा हूं जब आपका इलेक्ट्रिक बिल आता है तो लगभग सात रुपए पर यूनिट आपको पे करना होता है इसका स्लैब होता है पहली 200 यूनिट सो कॉल्ड छे रुपए के हिसाब से एंड सो so ऑन सात साढ़े सात पड़ता है बट विलेज में यूपी में अगर आपने इलेक्ट्रिक कनेक्शन लिया है फिक्स्ड आपको तीन सौ रुपए देना है अगर आपका रेजिडेंशियल कनेक्शन है और खेत में अगर आपने पंपिंग सेट इरिगेशन प्लांट चलाने के लिए कनेक्शन लिया है तो इट इज फिक्स फाइव हंड्रेड सर बढ़िया एसी लगा ले फिर दो तो? अरे अब गांव में कौन ए लगाता है सर मान लीजिए हाँ तो लोग हैं कलाकार हमारे देश में ऐसे वो गाँव में ए भी लगवा लेते हैं और पता है घर में फिक्स बिल कितना देना तीन सौ रुपए चलाओ धनाधन ए सी सर हमारे घर में एक दिन का बिल आता है तीन सौ रुपए और सर गांव में गवर्नमेंट छापा नहीं मारती सरकार ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं वोट ये लोग ज्यादा देते हैं समझ में आ गया तो आपके पापा बिल देते हैं महीने का पंद्रह हजार का गांव वाला कितने का देता है तीन सौ रुपए का अच्छा सर गाँव में फार्म हाउस बनवा ले फिर वही वाला बिल लगेगा जो शहर में लग रहा है फार्म हाउस तो रही बना रहा है ना तो मोर टैक्स विल बी टेकन अंडरस्टैंडिंग तो ये सारी बातें बच्चों बजट में लिखी जाती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया आपको पता होगा इनकम इन क्या होती है रिच इज बिकमिंग रिच डे बाय डे पुअर इज बिकमिंग पुअर डे बाय डे और यहां पे बच्चों हमारी गवर्नमेंट बहुत चतुर है बहुत चतुर जीरो से लेकर ढाई लाख की इनकम तक आई हैव टोल्ड एवरी बडी देर इज नो टैक्स ढाई लाख से लेकर पांच लाख तक की इनकम पे कितना है फाइव परसेंट बट अगर आपकी इनकम पांच लाख पे रुक जाती है तो जीरो टैक्स पांच लाख रुपए से दस लाख तक की इनकम पे कितना टैक्स है बच्चों बीस परसेंट और दस लाख से ऊपर आप जितना भी कमाएंगे उस पर कितना टैक्स है तीस परसेंट बट गवर्नमेंट आपको एक फायदा भी दे रही है अगर आपने कोई नया आइडिया दिमाग में लाए और उससे कोई नया कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन खोले अनलिमिटेड कंपनी गवर्नमेंट कह रही है चलो तुमसे बाईस ले लेते हैं सो ये तो फायदा है कंपनीज पे बाईस और इंडिविजुअल पे तीस इसको पकड़ना आसान नहीं है चार्ट की दुकान लगा के धनाधन दन पैसा कमा रहा है बट इसका तो रजिस्ट्रेशन होगा तो ये सारे के सारे लोग बाइस परसेंट देंगे ये कमाने के भी हो सकता है ना दे तो गोरेट का टैक्स कम करें ताकि सारे के सारे इंडिविजुअल अपने आप को कन्वर्ट किसमें कर लें लेट में तब इनको पकड़ना आसान होगा नहीं समझे पक्का क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता है ना इनका इसलिए समझ में आई बच्चों बात प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एफ टोल्ड एवरीबडी प्रीवियस क्लासेस जैसे जैसे कमाई बढ़ती है टैक्स का परसेंटेज बढ़ेगा यहां पे सस्ता राशन मिलता है राशन की दुकान आपका राशन कार्ड तो नहीं या राशन कार्ड बनाओगा बट आपको सामान नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि आप हैं एपीएल ये क्या होता है सर एपीएल की चप्पल देखे थे सर हम अब, अब द पॉवर्टी लाइन बट आपके घर में जो शीला और मुन्नी आती है झाड़ू पोछे के लिए दे आर बीपीएल बीपीएल का टीवी नहीं बिलो पॉवर्टी लाइन उनको एक किलो चीनी दो रुपए में गेहूं तीन रुपए में चावल एक रुपए में मिलता है बट अगेन क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है आप खा नहीं पाएंगे उस चावल को देन आपने कभी देखा होगा मम्मी पापा के बैंक अकाउंट में फोर्टी एट रुपी फिफ्टी फाइव पैसा आता है आईओसी के नाम से तब जब नाइन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स रुपी का आप एक सिलेंडर खरीदते हैं तो गवर्नमेंट आपको क्यों अड़तालीस रुपये पचपन पैसे वापिस करती है क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है हमारी सिलेंडर की कॉस्ट जो है ना नौ सौ सात रुपये चौवालीस पैसे है बस हम आपसे थोड़ा ज्यादा पैसा ले रहे हैं तो ये पैसा हम आपको वापस कर रहे हैं तो ये बात भी बजट में लिखी जाएगी कितना वसूलेंगे सिलेंडर का और कितना वापस करेंगे वसूलेंगे जो कॉस्टिंग होगी इंडियन ऑयल की वापिस इतना ही करेंगे आप समझे कि नहीं समझे तो बजट इज जस्ट लाइक कि घर में भैया की शादी है पहले प्लान बनेगा एस्टिमेटेड एक हजार गेस्ट आएंगे मौसा जी ग्यारह हजार का लिफाफा देंगे ही देंगे बुआ जी इक्कीस हजार रुपए चाचा जी ये तो इक्यावन हजार देंगे ही में रहते हैं ना वट इट क्लियर पापा के बड़े भाई ये तो एक लाख इक्यावन हजार कम से कम पापा मम्मी अरे वो थोड़ा देंगे उन्हीं तो बेटी की शादी है कम से कम एक करोड़ तो हेज भी आएगा तो ये एलोकेशन रिसिप्ट कितना होगा फिर खाने वाले का बिल बैंकुट हॉल का बिल टेंट वाले का बिल अब मौसी जी की लड़की आएगी इक्कीस का लिफाफा उसको भी देना है उनका एक छोटा चिबिल्ली पैदा हुआ है अभी इक्यावन का उसको भी देना पड़ेगा समझ में आया जो भाई की सगी बहने हैं मतलब ऊ की बेटी चाचा की बेटी ग्यारह ग्यारह सौ के उनके भी लिफाफे होंगे प्लस पांच पांच हजार रुपए सब बच्चों को कपड़े का भी देना पड़ेगा तो जैसे शादी से पहले सारी व्यवस्था देखी जाती है ना वैसे ही बजट बनता है बस ओके चलिए डायरेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बच्चों बजट नहीं होगा और बजट में लिखा नहीं जाएगा विच मनी विल बी स्पेंड वेयर क्या हम तरक्की की उम्मीद कर सकते हैं नो गवर्नमेंट ने आने वाले टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर फेब फर्स्ट के बजट में सोचा क्या सोचा 5G टेक्नोलॉजी तो आ गई है अब इसको अपग्रेड किस पे करना है 6G 6G के सेटअप के लिए हम पच्चीस हजार करोड़ खर्च करना चाहते हैं कितना बच्चों? पच्चीस हजार करोड़ ये पच्चीस हजार करोड़ कहां से आएगा हम लाइसेंस देंगे किसको देंगे लाइसेंस जियो को देंगे एयरटेल को देंगे वोडाफोन को देंगे भारत संचार निगम लिमिटेड को देंगे उम्मीद है ये लाइसेंस जियो वाले एयरटेल वाले वोडाफोन वाले बी वाले मिलाकर पच्चीस हजार करोड़ में हमसे खरीद लेंगे इज दैट क्लियर और पूरे इंडिया में कौन सी टेक्नोलॉजी मिलेगी चलन सिक्स टेक्नोलॉजी मिलेगी समझ में आई बात की नहीं आई पक्का तो अभी ये 6G टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है सर मैं आपको एक ओरिजिनल थ्योरी बताता हूं चिल्ड्रन अडानी जी का नाम तो सुना ही होगा इंडिया में चिल्ड्रन रिलायंस के पास और एयरटेल के पास 5G लाइसेंस रिटेल टेलीकॉम का है किसका रिटेल टेलीकॉम हमको आपको ये 5G सिम कार्ड बेच सकते हैं डानी ऑल्सोज एस बट इनका रिटेल लाइसेंस नहीं है चल रहे दीजिए मान लीजिए इंडिया में इंडियन रेलवे अपने डेली के ऑफिस से कर्नाटका के बेंगलुरु ऑफिस में बातचीत करना चाहता है ट्रेन की लाइव ट्रैकिंग ट्रेन की लाइव ट्रैकिंग वॉट इज क्लियर और सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटरिंग होगी तो कनेक्टिविटी टूटनी नहीं चाहिए कि भाई ट्रैक पे कोई तो कनेक्टिविटी तो तो फास्ट चाहिए तो रिलायंस और एयरटेल वाले हमको आपको फाइव जी कनेक्टिविटी दे सकते हैं रेलवे को नहीं दे सकते बिकॉज दे है इंडस्ट्रियल लाइसेंस अब मान लीजिए कि मैं मेदांता हॉस्पिटल का सीईओ हूं और मैंने एक व्यवस्था ऐसी करी कि भाई हर मोहल्ले में हमारी एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है ध्यान से सुनिएगा मेरी बात चल रही है है उस में 5G कनेक्शन डॉक्टर की एक टीम है बट जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में बैठा है वो हर जगह नहीं घूमेगा आवारा की तरह और जो थोड़े से कम स्पेशलिस्ट ऑफिसर है वो उस वैन में बैठे हुए हैं वैन में कॉल आती है शाम को साढ़े बजे कि भाई हमारे घर के कोई बुजुर्ग हैं उनको चेस्ट पेन उठा है एम्बुलेंस तुरंत जाएगी और उस बुजुर्ग को वहां से सो ले लेगी अब वहां से हॉस्पिटल का से दस का है। से दस का रास्ता से से मिनट मिनट है बट वहां बैठा हुआ डॉक्टर हॉस्पिटल में तुरंत फर्स्ट एड कैसे देगा वो वैन में बैठे हुए डॉक्टर के साथ टैबलेट कैमरे के थ्रू कनेक्ट होगा कि इनकी हार्ट बीट बताओ कितनी है ऑक्सीजन लेवल क्या है इनको हो सकता है हार्ट अटैक आ रहा हो तो हम तुरंत दवाई दे दें वो कौन सी दवाई होती है क्या बोलते हैं

हॉस्पिटल में डॉक्टर को पहुंचा तीन मिनट के बाद उतने में तो इंसान निपट गया इट शुड बी रियल टाइम कम्युनिकेशन इट शुड बी रियल टाइम तो अगर एम्बुलेंस में सात बज के बारह मिनट सोलह सेकेंड पे वॉट इट क्लियर हमारी मॉनिटरिंग मशीन बता रही है कि इनका हार्ट बीट वन सिक्सटी फोर है तो हॉस्पिटल में सेम टाइम पे ये डेटा नजर आना चाहिए अगर थोड़ा भी डिले हुआ वो इंसान टपक जाएगा इसलिए हमको टेक्नोलॉजी फास्ट चाहिए नहीं तो क्लास हो गई जूम पे मेरी ऑनलाइन या वीडियो डाउनलोड हो गया ये तो थ्री जी और टू जी में भी चल जाता कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आप है अब समझ में आया चलन क्यों टेक्नोलॉजी की जरूरत है गूगल कार को इंडिया में लाइसेंस क्यों नहीं मिल रहा पता लगा नेटवर्क स्लो है वो सामने सेंस नहीं कर पाया कैमरा और भेड़ दिया जाके किसी के ऊपर गाड़ी बट जब फाइव जी सिक्स जी सेवन जी होगा तो नेटवर्क बहुत फास्ट होगा समझ में आ गया तो डेटा सेंटर बता देगा कि भाई आगे सौ मीटर पे ऑब्स्ट्रक्शन है कार अपने आप ब्रेक लगा के धीरे होने लग जाएगी आर पीपल अंडरस्टैंडिंग आई मीन टू जैसे मेरे लेक्चर में और जो लोग बच्चे ऑनलाइन कनेक्टेड है ये नहीं होता. ये 5G हो जाएगा ना ये रियल टाइम होगा लाइक इफ आई आज समझ में आया तो मेरे को लगता है बच्चे तुरंत आवाज क्यों नहीं देते मेरे को बिकॉज लैग ऑफ थ्री सेकेंड मेरी आवाज आप तक तीन सेकेंड लेट पहुंचती है अंडरस्टैंडिंग तो जो मैं सात बज के बारह मिनट सोलह सेकंड पे बोलूंगा वो लगभग अठारह या उन्नीस सेकंड पे आपको जाएगा उधर से आप बोलोगे तो मेरे पास भी छह सात सेकंड के बाद जवाब आता है yes no? अरुशी जी, 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 मनर, ये और नो अरुषि अदत्री जी अनन्या जी दानिका खुशी मन रौनक संस्कृति ये साथ अंडरस्टुड अच्छा तीन सेकंड yes, तो चल रहा है टेक्नोलॉजी yes, फास्ट है, चल है वैसे जूम का जो लैग है वो तीन सेकंड ये लोग बोलते हैं बट यहाँ पे बहुत फास्ट चल रहा है फोपड़े में बात गई कि नहीं गई भाई I मैंने mean, देखा स्पीड बच्चों पंद्रह एम हो गई थी अब वापस टू पॉइंट सेवन आ गई ए आई सेंस कर रहा होगा इसको बात समझ में आई कि नहीं आई तो अडानी साहब के पास ये वाला लाइसेंस है अगले साल अप्रैल से ये पूरी तरह से इंडिया में काम करने लग जाएगा आप कॉल करेंगे लखनऊ डेली मेदांता की वैन में कि भाई हम सो एंड सो जगह से बोल रहे हैं और हमारे घर में थोड़ी इमरजेंसी हो गई है हम पेशेंट को अस्पताल में एडमिट मतलब जमा कराना चाहते हैं तो उनकी वैन में तुरंत कॉल जाएगा बच्चों लेस देन टू सेकेंड और वैन हो सकता है दो मिनट के अंदर आपके घर के सामने आ जाए वहां पे ला दिए बूढ़े दादाजी दादी जी जो भी हैं और तुरंत लाइफ ट्रैकिंग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसको पूरा फर्स्ट एड मिल जाएगा नहीं तो पता लगा पहुंचते पहुंचते अंडरस्टैंडिंग दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी बच्चा क्या कहता है सर मूवी बहुत तेज डाउनलोड होगी अरे भाई मूवी से कोई मतलब नहीं है समझ गए बच्चों समझ गए बच्चों चलिए स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिया मैंने आपको बता दिया अभी आपने देखा होगा इंडिया में हर जगह बच्चों गली मोहल्ले में जिम लग गए हैं ताकि जो लोग महंगी जिम अफोर्ड नहीं कर पाते वो मॉर्निंग वॉक तो पेमेंट में कर ही रहे हैं वो जिम में एक्सरसाइज कर सकते हैं कहां से आ रहा है पैसा जो आपसे जीएसटी वगैरह लिया था उसी में से खर्च हो रहा है तो ये बातें भी बजट में लिखी जाती हैं कि दस हजार करोड़ रुपए पूरे इंडिया में खर्च होगा जिम के सेटअप पे इम्प्लॉयमेंट भी मिलता है नए बिजनेसेस बनते हैं क्योंकि भाई हर मोहल्ले में जिम लगाया जा रहा है तो वहां पे हमारे जो क्या कहते हैं ये नट बोल टाइट करने वाले लोग लेबर कम्युनिटी जो ये एक फैक्ट्रीज में सामान बन रहा है उन सबको जॉब मिलेगा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसी होती है बजट में हमने एक बात और साबित की कि भाई कंट्री में बीस लाख करोड़ की करेंसी है कितने की बीस लाख और होनी चाहिए सिर्फ 18 लाख कितना अमाउंट ज्यादा देश में दौड़ रहा है टू लाख करोड़ तो डीमोनेटाइजेशन करके पैसा वापस खींचा जाए क्योंकि पैसा अगर बाजार में बहुत ज्यादा होगा बच्चों तो लोग उल जलूल हरकतों पर खर्च करेंगे जिन चीजों की जरूरत भी नहीं है दे विल बाय थिंग्स एज वेल शॉपकीपर भी फालतू में सामान प्राइस बढ़ा के बेचेगा कंट्री विल बी सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन जब पैसा ही आपसे वापस खींच लेंगे जब आपके पास पैसा होगा नहीं विल यू बी स्पेंडिंग अननेसेसरली नो विल द शॉपकीपर बी एबल टू सेल यू द गुड्स एट वेरी हाई प्राइस नो ऑटोमेटिकली वुड गो डाउन एंड गवर्नमेंट विल गवर्नमेंटेन वॉट प्राइस स्टेबिलिटी बट अगर कंट्री में जरूरत है अट्ठारह लाख करोड़ की और पैसा है सिर्फ बारह लाख करोड़ तो हमें और कितने नोट छापने पड़ेंगे बच्चों सिक्स लाख करोड़ ये नोट छापकर बिजनेस कम्युनिटी को दिए जाएंगे बिजनेस कम्युनिटी पैसे से फैक्ट्री सेटअप करेगी और गुड्स बनाएगी जिससे लोगों की इनकम होगी भाई नौकरी मिलेगी लोग फोकट में तो काम करेंगे नहीं तो लोगों को तनख्वाहें मिलेंगी लोगों की जब इनकम आएगी वो बाजार में जाके सामान खरीदेंगे तो जो सामान अभी तक नहीं सेल हो रहा था वो बिकने लग जाएगा डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में तो जब डिमांड बढ़ जाती है तो शॉपकीपर प्राइसेस क्या करेगा बच्चों बढ़ा देगा तो जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी इन्फ्लेशन होगा गवर्नमेंट ट्राई करेगी पैसा वापस लो लोगों के पास से पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा लोगों के पास पैसा रहेगा नहीं वो बाजार जाएंगे नहीं बाजार में शॉपकीपर सामान महंगा बेच नहीं पाएगा इन्फ्लेशन वुड बी कंट्रोल बट अगर बाजार में जरूरत है अठारह लाख करोड़ की बैठे कितना बारह लाख करोड़ गवर्नमेंट और नोट छापेगी नोट छाप के बिजनेसमैन को देगी बिजनेसमैन उससे फैक्ट्री लगाएगा रॉ मटेरियल खरीदेगा लोगों को नौकरी देगा लोगों को नौकरी देगा तो लोगों को इनकम मिलेगी सैलरी मिलेगी सैलरी मिलेगी तो वो गुड्स डिमांड करेंगे गुड्स डिमांड करेंगे खरीदेंगे अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए तो गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या होगा बच्चों बढ़ जाएगा और जब प्राइस बढ़ेगा तो जो डिफ्लेशन का माहौल चल रहा था वो स्टेबल हो जाएगा इज दैट क्लियर ये सारी बातें बजट में लिखी जाती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का पॉइंट समझ में आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अंडरस्टूड चले आगे बच्चों स्किल इंडिया का नाम सुना है आपने स्किल इंडिया ये गवर्नमेंट ने 2014 में स्टार्ट किया एसी रिपेयरिंग मोबाइल रिपेयरिंग कंप्यूटर रिपेयरिंग इसके सेंटर्स खोले गए दस हजार रुपये फीस जमा कर दीजिए सर कहाँ से लाओ कहीं से लाओ उसके बाद जब आप पढ़ाई कर लेंगे आपका एक एग्जाम होगा आप पास कर जाएंगे कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता ये दस हजार रुपये पूरा का पूरा आपको रिफंड हो जाएगा चल रन कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या है जीरो सर्टिफिकेट दिया जाएगा किट दी जाएगी आप अर्बन क्लैप वालों को जाके इंटरव्यू दीजिए वो एसी रिपेयरिंग की आपको जॉब दे देंगे वेयर जितना ए सी रिपेयर करेंगे दो सौ रुपए पर ए सी आपको देंगे मान लीजिए दिन भर में पांच ए आपने रिपेयर कर लिए और ऑल थर्टी डेज का काम है तीस हजार यहाँ से बन गया इंसेंटिव पंद्रह हजार रुपए यहाँ से बन गया पैतालीस हो गया कि नहीं हो गया जो एकदम निठल्ला था नालायक था किसी काम का नहीं था वो भी पैंतालीस हजार कमा रहा है साल का पांच लाख रुपए इस पर कोई टैक्स भी नहीं है धीरे धीरे अपना रिपेयर सेंटर खोल लीजिए तो ये सारी बातें कहां पे लिखी जाती है बजट में समझ में आई बात की नहीं बच्चों सो ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड मैंने आपको बता दी बात बच्चों अभी अभी जब बाजार में डिमांड ज्यादा होगी गवर्नमेंट कोशिश क्या करेगी कि लोग कम मार्केट में जाएं और ज्यादा जाएं डिमांड ऑलरेडी बढ़ी है मार्केट में लोग जाएंगे नहीं सामान बिकेगा नहीं सामान बिकेगा नहीं तो शॉपकीपर अपने आप दाम कम करेगा इन्फ्लेशन विल गेट कंट्रोल बाजार में डिमांड ही नहीं है लोग घर में बैठे हुए हैं गवर्नमेंट कॉलर पकड़ पकड़ खींचे चल चल बजार, चल बजार, चल बाजार बाजार ऐसा होगा नो गवर्नमेंट लोगों को सस्ते लोन देगी बिजनेसमैन को भी और मेरे आप जैसे कंज्यूमर को भी बैंक को बोला जाएगा क्रेडिट कार्ड सस्ते में दो इनको अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव ऑफर दो हर महीने दो टिकट फ्री में देंगे तो आप क्रेडिट कार्ड लेंगे और बाजार जाके शॉपिंग करेंगे जो गुड्स नहीं बिक रहे थे अब वो बिकने लग जाएंगे सामान सस्ते में दुकानदार बेच रहा था अब वो प्राइस बढ़ाएगा प्राइस बढ़ाएगा सामान भी बिकेगा कमाएगा भी गवर्नमेंट को क्या मिलने लग जाएगा टैक्स बट गवर्नमेंट आपको बाजार तक भेजेगी कैसे गवर्नमेंट कहेगी आज तक तीस परसेंट टैक्स दे रहे थे ना कमाई पे अब चलो पांच ही देना तो नाउ यू हैव टू पे लेस टैक्स यू हैव मोर मनी विद यू टू स्पेंड तो आप बाजार निकलेंगे आप समझ गए तो इन्हीं बातों का और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले यूनिट में मिलेगा चल रहा तो है वहां मेन कोर्स है पूरा समझ में गई बच्चों बात पक्का चलिए तो टाइप ऑफ बजट्स मैं आपको बता देता हूं जब भी आपके बजट में बच्चों, सो कॉल्ड रिसेप्ट ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम यू हैपन टू कॉल इट

तो बच्चों आपकी राय में बैलेंस्ड बजट ये तो हो ही नहीं सकता बकवास है क्यों बढ़े सरप्लस बजट अच्छी बात है कि डेफिसिट बजट अच्छी बात है डेफिसिट बजट अच्छा होता है बच्चों सरप्लस अच्छा नहीं होता क्यों घर वाले ज्यादा छूट दे दें आपको ज्यादा पैसा दे दें तो बर्बाद ही हो गए ना वैसे ही गवर्नमेंट के पास अगर डेफिसिट होगा खर्चा ज्यादा कर रही है गवर्नमेंट मतलब वेलफेयर प्रोग्राम ज्यादा कर रही है ज्यादा इंडस्ट्रियल सेटअप पे पैसा खर्च हो रहा है मोर एम्प्लॉयमेंट इज देयर

डेफिस शॉर्ट टाइम के लिए सरप्लस तो ठीक है कमाई ज्यादा है खर्चा कम है कहीं ना कहीं एलोकेट कर लेंगे बट लॉन्ग टर्म में बहुत गंदा बजट है ये सो so, इसकी पढ़ाई तो अगले लेक्चर में होगी बट तीन चीजें आप लिख लीजिए डेफिसिट बजट तीन तरह का होता है एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट एक होता है बच्चों फिस्कल डेफिसिट और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट रोजमर्रा के खर्चे ज्यादा कमाई कम इज रेवेन्यू डेफिसिट बाकी में ज्ञान थोड़ा ज्यादा है तो अगले लेक्चर में इसको कवर कर करेंगे